चेहरे पर कोई स्माइल नहीं। पका है ना? अच्छा 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 है, पकाओ। हाय हाय। हाँ हाँ, तुम भी जरा सा खा लेना। चलो जल्दी करो, मैं तुम्हारी प्लेट में डाल देती हूँ। चांद डिनर की कोई खास वजह है क्या? मॉम, मॉम लैला। चलो वो लोग आ गए। बेटा, तुम मुझे ये कहाँ लेकर आए हो? वेलकम 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 मिसेस हुमा। थैंक यू। वेलकम वेलकम। व्हाट्स अप लैला? हेलो मिस्टर जॉन। मिसेस हुमा, इस मोहल्ले की प्रेसिडेंट होने के नाते आपका स्वागत करती हूँ। आपने हमारे मोहल्ले में आके इसका सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए थैंक यू। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। जॉन, मिसेस मैफ की वे कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। मुझे लग रहा है जैसे फैमिली मीटिंग हो रही है और मैं काफी काफी सरप्राइज्ड हूँ। हाँ, ये फैमिली ही तो है। एक पूरी फैमिली? हम सब एक फैमिली की तरह है। हम लोग इकट्ठा होते हैं, साथ में जश्न मनाते हैं, सब कुछ साथ में सेलिब्रेट करते हैं। आप भी आइए ना, आइए आइए। मोहितिन, क्या सूप रेडी हो गया? चिंता मत कीजिए मिसेस मैव के बे, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस बात का ध्यान रखना कि कोई भूखा ना रहे। अली, क्या आप इतनी भीड़ के सामने कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, मुझे लगता है मैं कर लूँगा। यू डोंट वरी, आओ मेरे डैड से मिलते हैं। डैड जा रहे हैं। हेलो हेलो मिस्टर नेहात, वेलकम बेटा, कैसे? मैं ठीक हूँ। हमारा खाना भी उस रेस्टोरेंट से कम नहीं जहाँ पर हम गए थे। बहुत बढ़िया खाना है यहाँ का। आपके लॉबस्टर से अच्छे तो हमारे कबाब हैं। खाइए खाइए, आइए ना, जरा चक्कर देखिए। दो इन्हें, दो थोड़े से दो। बहुत ही अच्छे से ग्रिल हो चुके हैं मिसेस मैफ की, बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस है। ओह, अरे थोड़ा टेस्ट तो करके देखिए, बहुत ही मजेदार है, आपको पसंद आएंगे। आइए ना, हमारे नेबर से मिलिए। ये है सानिया। कैसी है? अच्छा लगा। दुनरुम, आइए, वेलकम। आइए ना। अरे लीजिए लीजिए मिसेस हुमा, लीजिए ना, थोड़ा सा खाइए मिसेस हुमा। बहुत टेस्टी खाना है, मुझे मजा आ गया। मिस एमरिप, क्या आप वो प्लेट देंगे प्लीज? थैंक यू सो मच। एक्चुअली मिसेस मेवकबे, हमने पहले ऐसे स्ट्रीट पर खाना नहीं खाया है और हमें पता भी नहीं है कि ये किसने बनाया है। मुझे थोड़े मीट बॉल्स दीजिए प्लीज। मिसेस हुमा, ये सब फूड जो आप देख रही हैं, सब पड़ोस में रहने वालों ने बनाया है। वो सभी टैलेंटेड कुक्स हैं और काफी साफ सुथरे हैं। जैसे कि ये जो प्लेट है, ये अभी मिसेस सानिया ने तैयार की है। मिसेस सानिया, कैसी हैं? और ये सब मिसेस जमिले ने बनाया है। मिसेस जमिले काफी कलाकारी हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं। ये काफी डिलीशियस है। और ये जो बनाया है, मेरी मेवकबे ने बनाया है। क्या खाना चाहेंगे आप? नहीं, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर क्लब सैंडविचेस मिलते हो? यू नो, क्लब सैंडविचेस। मॉम, यू नो, मुझे लगता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ सब एक क्लब में है, ऐसी फीलिंग आ रही है। मतलब कितनी अच्छी बात है ना। आई एम श्योर कि मेरी मॉम वही कहना चाह रही है, राइट? है ना? नहीं, मैं कह रही थी मॉम अपने क्लब का। क्लब सैंडविचेस। हाँ, क्लब की बात कर रही थी। ऑल्सो फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। हाँ हाँ। मिसेस हुमा, आप अपने दोस्तों के साथ कभी भी रॉ मीट खा सकती हैं। फिलहाल तो ये खा के देखिए। यस ऑफ कोर्स, लेकिन कौन से फ्रेंड्स? मैं आपको समझ रही हूँ, बेशक आपको सबक सिखाना होगा। क्या मुझे कुछ सुनाई नहीं था? नहीं नहीं, आप खाइए ना खाइए, आपकी मर्जी है। क्या आप कुछ लेंगे? नो नो नो, थैंक यू थैंक यू। अरे इन्हें थोड़े कबाब दो ना, दो। नहीं, 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 नहीं। सनम, हमें जो बात करनी है, क्या हम वो स्टार्ट करें? हाँ, अभी शुरू करते हैं। मॉम, मिसेस मेवकबे, हम शादी के
बारे में बात करेंगे। शादी का सूप, वो तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, क्या बताऊँ उसके बारे में। सैनम, लैला, बेटा खाना खत्म हो रहा है, जाओ ना जाकर लेकर आओ। क्या कर रही हो? जाओ जाओ। आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। बहुत अच्छा होता है, उसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है, तुम्हें तो पता है ना इस बारे में। आयहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ क्यों नहीं चलती? मुझे कुछ खाना नहीं है जेजे। हाँ मैं समझता हूँ, पर मैं तुम्हें खिलाता हूँ, इधर आओ। शादी में ऐसा ही तो होता है कि दूल्हा दुल्हन को शादी का केक अपने हाथों से खिलाता है और दुल्हन भी दूल्हे को खिलाती है, कुछ ऐसा ही है ना? अब कोई शादी नहीं होने वाली जेजे। आयहान, आयहान, मैं तुमसे शादी करने के लिए नहीं डर रहा हूँ, सच में, यकीन करो। एक काम करते हैं, क्यों ना हम जाकर इन्विटेशन कार्ड्स चूज करें और ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम उस पर क्या लिखेंगे। उसके बाद हम वेडिंग कैंडीज चूज करेंगे। हमारा वेडिंग इमेजिन करो, तुमने तुम्हारा दुल्हन का कॉस्ट्यूम पहना है, मैंने मेरा डार्क सूट पहना है, बहुत अच्छा वेदर है, जरूरत नहीं, थोड़ी सी बारिश भी चलेगी, बहुत सारे बच्चे आसपास होंगे, लेकिन तुम उन पर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाओगी, ओके? उन्हें जैसे डांस करना है करने दोगी? मुझे नहीं चाहिए जेजे। क्या? मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आयहान, क्या हो गया है तुम्हें? जेजे, मेरा भाई जा रहा है, दरअसल उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है। लैला और उस्मान, क्या तुम विश्वास कर सकते हो? हम लोग उनकी शादी की बातें कर रहे थे और आज वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। मुझे प्यार में विश्वास नहीं। आयहान, उनकी स्टोरी इस तरह थी, लेकिन हमारी अलग होगी। हमारी स्टोरी हम खुद लिखेंगे, समझे तुम? थोड़ा थोड़ा रुक जाते हैं अभी, मुझे रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आयहान, तुम भी जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? हाँ नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ जेजे, मैं यही हूँ। मेरा भाई जा रहा है, उन्हें बहुत अच्छी जॉब मिली है दूसरी जगह पर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना, मतलब ये उनके उनके लिए है, उनके अलग होने से नहीं था। आई एम सॉरी जी। जी, गुड बाय। मेरे भाई गुलिस कहाँ है? उसने मुझे कहा था कि वो आएगी, लेकिन मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे नहीं पता मुजफ्फर, कोई ऐसे कैसे? तुम उसके दोस्त हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। तुम नाराज लग रहे हो। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है मैंने उसे एक बार बाहर जाने के लिए पूछा था, बिल्कुल डेट के जैसा। तुमने उसे डेट के लिए पूछा, इसलिए मैं इतना बेचैन हूँ। अब समझे तुम मेरी बात? हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ गया। अगर तुम प्यार करते हो तो बताना जरूरी है, तुमने अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये दोनों के लिए भी अच्छा होता है, समझे? आराम से खाइए। ओह, वो आ गई। Hello? मुझे चलना चाहिए और जाकर एक मर्द की तरह उसे पेश आना चाहिए। चलो भाई मैं चलता हूँ, तुम सीरियसली मत लेना मेरी बातों को, ठीक है ना भाई? Okay. मेरे बच्चे को भी ये बहुत पसंद है। मिस गुलीज, सुनिए मिस गुलीज, ये सब कुछ ना, इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। बच्चे भूखे थे इसलिए वो भी खाने आ गए। सच में मुजफ्फर? ऑफकोर्स ये मजाक है, लेकिन तुम हंसी ना इस बात पर, यही काफी है। सुनो ना, तुम्हारी प्यारी मुस्कान देखकर मेरा दिल बहुत ही खुश हो जाता है। मैंने कैंडल्स भी लाई है रोमांटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, उसके बाद उसे खा भी सकते हैं। हाय, इस कातिलाना स्माइल पे तो मैं मरता हूँ, और ये डिंपल्स क्या कहूँ, मन करता है कि इन डिंपल्स में खुद को गाड़ डालूं। अरे रुको रुको, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए करता हूँ ना, अब इस चीज को क्या नाम दे? ये बताओ क्या हम डेट पर चले कि डेट पर जाए बिना ही सारी डेट वाली हरकतें करें? देखो जो तुम कहोगी ना, मुझे वो मंजूर है, सच में। तो बताओ क्या कहती हो? मुझे नहीं पता, मैं तो सोच रही थी कि। बिल्कुल, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए, जल्दी करनी चाहिए, डिसीजन लेते हैं ना, हमें प्लान्स बनाने चाहिए। मुझे जाकर सूट लेना है डार्क कलर का, सच कह रहा हूँ मैं। तुम कितना मजाक कर लेते हो। तुम बहुत स्वीट हो, ये लो कॉकटेल तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच।
तुम बहुत फनी हो और हाँ बहुत स्वीट भी, तुम काफी सुंदर भी हो, लेकिन मैं भी कुछ कम अट्रैक्टिव नहीं हूँ, तुम भी तो मेरी कुछ तारीफ करो। बहुत ही टेस्टी है सच में, मजा आ गया खाकर, बहुत ही टेस्टी था। अच्छे से खाना बेटा, बेचारा बच्चा, इसे तो पता ही नहीं कि घर का खाना कैसा होता है, बाहर ही खाता है ना बेचारा। सुनो, इसे माँ जो अच्छी नहीं मिली, कभी कुछ बना कर ही नहीं दिया होगा। आप ऐसा नहीं कह सकती, इससे बुरा और क्या हो सकता है। वेलकम टू आवर नेबरहुड। वो देखो कितना मस्त है, आराम से खाना बेटा तुम। जी अंकल, थैंक यू सो मच। उसकी तरफ क्यों देख रही हो तुम, अपने डैड की तरफ देखो, डैड 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 की तरफ देखो। नहीं, मैं उनकी तरफ नहीं देख रही हूँ, मैं अपने बाउल में देख रही हूँ, देखिए। क्या मुझे नैपकिन मिल सकता है? तुम्हारे पास नैपकिन है? आपको पता है उनकी जल्दी शादी होने वाली है। नहीं, मत पूछो मत पूछो। मॉम, यहाँ पर नैपकिन अवेलेबल नहीं है। Well, Mrs. Mev की बे, हमारे बच्चे सारा दिन बस वेडिंग की ही बातें करते रहते हैं, तो मुझे पता है, मुझे पता है, जब उनकी शादी होगी तो दो परिवारों की शादी होगी ना। हाँ सही कह रही है। देखिए ना जान, वो लोग स्माइल कर रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छे से पता होगा, लेकिन उनकी स्माइल को देख कर लग रहा है कि वो रियल नहीं है, बल्कि मुझे और ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो जाए। हम लोग तैयार हैं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, हमें जो करना है हम वो सब करेंगे, हमारी बेटी है। मिसेस मेवकी बे, इस तरह से पड़ोसियों के बीच क्या कह रही है? दर्द हो रहा है, मेरी मॉम गुस्सा हो गई है, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। इसका क्या मतलब है? हाँ, क्योंकि जब उन्हें गुस्सा आता है तब वो ऐसा ऐसा करती है। हाँ, मैं भी देख सकता हूँ। इसे तो टेस्ट किया ही नहीं, तुम्हें करना चाहिए, खा कर देखो। मैं सूप ही लूंगा। नहीं, थैंक यू। नहीं नहीं, ये ठीक। ओके ओके, मैं लेता हूँ। खा लो थोड़ा सा, मैं यही खाऊंगा। सूप को जाने दो, है ना। मैं कभी, प्लीज शांत हो जा। मिसेस मैकबे, क्या हुआ, आप पानी पीना चाहेंगी? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मिसेस मैकबे, थोड़ा सा शांत हो जाइए, क्या आपको कुछ खाने को चाहिए? वैसे अब आप क्या करेंगी? मुझे तो आप पर हंसी आ रही है, अब बताइए क्या सब ठीक है? प्लान? कौन सा प्लान है? मुझे जानना है क्या प्लान है। इतना स्ट्रेस मत लीजिए, वेडिंग के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है? वैसे मेरे पास एक अच्छा प्लान है, ऐसा प्लान जिससे हम जो चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप क्या कह रही हैं, मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। देखिए, वो दोनों पहले ही एंगेज्ड हो चुके हैं, हो गए हैं ना, तो वो दोनों एक ही घर में रह सकते हैं, जैसे मैरिड कपल्स रहते हैं। मुझे लगता है आप दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। वही तो। मैकबे, प्लीज शांत हो जाओ। ये काफी बुरा था। मॉम, पानी पीजिए, लीजिए लीजिए लीजिए, पानी पीजिए। मॉम, बहुत अच्छा आइडिया है ना। उन्हें गुस्सा आ रहा है। तुम पैनिक मत होना लेकिन, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ? जरा मेरी तरफ देखो, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे यकीन है कि उन्हें अब गुस्सा आ रहा है, मुझे पक्का यकीन है इस बात पर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इनका कहने का मतलब क्या है? ओके, हमने बहुत खा लिया और अब टाइम है कि हमें जो बताना है हम वो बताएं, ठीक है ना? हाँ प्लीज, हम कुछ बताना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है? ओह नो। अंकल, हेलो एवरीबॉडी, मिठाट, मिठाट भाई आ गए। क्या बात है, भाई ये टेस्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा है, खाइए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं खा सकता, मैं अपना वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहता। तुमने मुझे इस लेडी से इंट्रोड्यूस नहीं कराया। सासू माँ, मेरी मेरी मदर इन लॉ, नहीं मॉम, मॉम जान की मॉम। ओह, एन्चांटे मैडम। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने अपना नाम आपको बताया नहीं, मेरा नाम मिठात आयदिन, प्लीज टू मीट यू। ये लीजिए।
अच्छा तो आप हैं मिस्टर नेहाद के भाई? हाँ, ट्विन्स। क्यों, शक्लें नहीं मिलती क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे? देखिए, मुझ में कोई भी बदलाव नहीं आया। उसकी तरफ देखिए और मेरी तरफ देखिए। अगर मैं उसे फादर कहूँ तो किसी को ताज्जुब नहीं होगा। हाँ, पर मजाक था। हम दोनों अलग हैं, पूरी तरह अलग हैं। हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। हम दोनों में आप कह सकती हैं जमीन आसमान का फर्क है। मिस्टर निहाद, क्या कर रहे हैं आप? काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। डैड, आराम से। आराम से निहाद? सनम, ये एकदम ही डिफरेंट मॉडल है, मतलब काफी अलग है ये इंसान, सच में। हाँ, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। हम काफी हंसते हैं जब हम उनके साथ होते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब हमारी शादी के बाद हो पाएगी। लेकिन अब करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं है, क्या करें हम? क्योंकि अंकल आए हैं। तो अब हमने खाना खा लिया है, डेजर्ट भी खा लिया है। बच्चों, अब हम बिल पे करके घर चलते हैं। सुनो, बिल पे करो, घर चलते हैं, हमें काफी काम है हमारे लिए। अपना अपना बिल पे करेंगे, ठीक है? चलो फिर। क्या क्या मतलब है, ये सब कुछ फ्री नहीं है? फ्री में किस लिए? हाँ, बिल पे करना है। मजाक, बस में करो, चलते हैं। मजाक। देखो, पैसे तो दूल्हा बिल पे करता है और वो एक दूल्हा है। ओके, चलो पे करो, चलो। हाँ, चलो पे करो। पर वो कैसे? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ दूल्हा नहीं हूँ, मैं तो बस जान का भाई हूँ। लेकिन तुम्हारे कपड़े तो बिल्कुल दूल्हे जैसे लग रहे हैं, यू नो, इटालियन स्टाइल। आप जानते हैं? हाँ, वैसे मेरा टेलर भी इटालियन ही था। मैं इटली में काफी टाइम के लिए रहा हूँ। अच्छा, इटली में कहाँ से? काफी टैलेंटेड। मिलानो। तो तुम इटालियन बोल लेते हो? मैं भी वहाँ कुछ समय के लिए रहा हूँ। वैसे अंकल, मैं हूँ जान। मिलकर अच्छा लगा मिस्टर मिताथ। वाह, सब कुछ अच्छा है जान, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अंकल नहीं, प्लीज अंकल मत कहो मुझे, मुझे भाई कहो। भाई कहो मुझे, भाई। चुप रहो निहाद, प्लीज चुप रहो। मैं कुछ गलत कर बैठूंगा? तुम कुछ नहीं कहोगे, ठीक है? ओके जान, तुम्हारा सरनेम बताओ मुझे। सरनेम क्या है तुम्हारा? दिवित, जान दिवित। दिवित, जान दिवित। अंकल प्लीज, जरा मुझे देखने दो। ओके, फोटोग्राफर, एडवर्टाइजिंग, कंपास बोर्ड। मुझे शादी नहीं करनी है। वो तो पुरानी खबर है और गलत न्यूज भी है। वो एक फॉल्स इंटरव्यू था, ये सच नहीं है। ओके, वो पुराना है, काफी पुराना। उस पर ध्यान मत दीजिए प्लीज। फॉल्स न्यूज, सब कुछ झूठ है। तुम्हारा हेयर ड्रेसर मर गया क्या? दाढ़ी और बाल इतने बढ़ाए क्यों? वो मर गया? नहीं, वो एक्चुअली ये स्टाइल कहते हैं सर। टार्जन, तुम तो टार्जन दिख रहे हो। ये सब क्या है? ये सब चीजें, तुम्हारे गले में इतनी सारी चेन्स हैं, जैसे हिप्पीज पहनते हैं। जाओ और जाकर शेव करो। सर, मेरे दिल में आपके लिए काफी इज्जत है क्योंकि आप हमारे अंकल हैं। हाँ, ऐसे ही। मैं कुछ कर बैठूंगा। ओह कम ऑन, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम समझे नहीं? पकड़ लिया। मैं कह रही थी, मैंने कहा था ना आपसे। वो तो मैं समझ गया। कितना होशियार है, क्या बात है, बहुत अच्छे, हैंडसम और क्लेवर, वो समझ गया। हाँ, मैं भी यही कहूँगी, मैं भी यही कहूँगी। क्या कहोगी तुम? हर सुबह उठकर मैं खुद को आईने में देखकर यही कहती हूँ कि मैं अपने हैंडसम अंकल जैसे दिखती हूँ। देखिए ना, हम कितने सेम दिख रहे हैं, है ना? देखिए देखिए कितने सेम है। मिसेस उमा, मैं जानना चाहूंगा आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे रुको मैं मेरे पास? ओह निहात, आई एम सो सॉरी। तुम टकले हो गए हो ना? बेचारे के सारे बाल चले गए। कितनी अच्छी फैमिली है, गुड ओल्ड फैमिली है हमारी, बहुत अच्छी फैमिली, क्यों मिसेस उमा? अब मैं क्या कहूँ? अच्छी है ना, है ना, है ना? अब हम क्या करेंगे, हम एक सेल्फी ले लेंगे, सब तैयार हो जाइए। हम इस मोमेंट को इमॉर्टलाइज कर रहे हैं। क्यों ना हम एक सेल्फी ले लें? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सब लोग, चलो पास में आओ। चलो रेडी, मिसेस उमा जरा हमें देखिए तो, हम कितने अच्छे लग रहे हैं। Hmm? Hmm?
थैंक यू, आप बहुत काइंड हैं। सब एंजॉय कर रहे हैं ना? तुम्हारी फैमिली बहुत ही अच्छी है लैला। हाँ, सब क्रेजी हैं, पर अच्छे हैं, मजा आता है। अजीब बात है, मुझे यहाँ घर जैसा लगता है, बहुत मजा आता है मुझे। हाँ, घर जैसा, यहाँ के घर आपके जैसे नहीं है। प्लीज हमें गलत मत समझिए, पर यहाँ लोगों के रिलेशन काफी क्लोज है और गहरे भी। सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और वक्त आने पर मदद भी करते हैं। सब लोग काफी हेल्पफुल हैं। क्या बताऊं, मुझे बहुत ही ज्यादा होमलेस फील होता है लैला। एम्री, काफी लोग मुझे जानते हैं, कोई देख लेगा हमें। लैला, आई लव यू वेरी मच। बोलो, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? I love you too, Imre. और ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपको कितने सालों से प्यार करती हूँ, पर मैं डरती थी, इसीलिए कभी कुछ कहा नहीं। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मिसेस हुमा, मैंने आपका नंबर ले लिया है, अब मैं आपको मेरा नंबर भेजता हूँ। अब मैं आपको कॉल करने वाला हूँ, ओके? तैयार रहिएगा। हाँ ठीक है। तो आपने यूक्रेन कहा, राइट? हाँ, मैं यूक्रेन के बाद फ्रांस गया था, काफी अच्छा था। पेरिस, बिजनेस, म्यूजिक, हम वहाँ और कर भी क्या सकते हैं, सही कहा ना मैंने? ओ पेरिस, मुझे बहुत पसंद है, मुझे पेरिस की याद आती है। वैसे कौन सा बिजनेस है आपका वहाँ? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, टेक्सटाइल। बेसिकली मैं वही काम करता हूँ जहाँ अच्छे पैसे मिले। जहाँ पैसे होते हैं वहीं मैं होता हूँ। हाँ, मैं समझ गई। ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। अब हम हमारी शादी की बात कैसे करेंगे? ये लोग तो काफी अलग अलग बातें कर रहे हैं जिसका हमसे कोई नाता ही नहीं है। शायद हम ये आज नहीं कर पाएंगे, पर कल हम इसके बारे में उनसे जरूर बात करेंगे। ओके, फिक्र मत करो, ये पकड़ो, मैं आता हूँ। मिस्टर मिथात, सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यू नो, आपके जोक्स, आपका विजडम, आपका एक्सपीरियंस, सब कुछ इतना अच्छा है, पर हमें अब चलना चाहिए। यू नो, काफी लेट हो गया और कल सुबह काम पर भी जाना है। जरूर जरूर जान, अब हमारी एक बड़ी फैमिली बन गई है ना, एक बड़ी स्पेशल फैमिली, तो इसी बात पर एक सेल्फी होनी चाहिए। ये कभी खत्म नहीं होता, आज के लिए काफी है ना, चलते हैं अभी। हम सिर्फ सेल्फीज और बातें नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। दूर क्यों खड़े हो? पास आओ ना, थोड़े इस तरफ, तुम भी आ जाओ, और पास आ जाओ, और पास आ जाओ, और उनका कलर भी ग्रीन हो गया सेल्फी लेते लेते। और पास आना चाहिए। अरे निहाल, तुम वहाँ खड़े रहो ना। चलो, रेडी है सब लोग? शुक्र मनाओ, मेरा भाई आया है। ओके, क्या बात है, बहुत अच्छी सेल्फी आई है, ये देखो। अच्छी है। मॉम, मैं अपनी रूम नहीं दूंगी। लैला, नहीं, मेरी तरफ मत देखिए, कभी नहीं। वो मेहमान है तो क्या उन्हें हम होटल में भेज दे? क्या बात कर रही हो? बे, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रही हो? क्या वो भी होटल में रुकने के लिए पैसे देने वाला है? पैसे हो उसके पास? क्या कमाल का दिन था। हाँ, 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 भाई। बैठो। ये मेरी प्राइवेसी है। देखो बेटा, ऐसा मत बोलो। क्या हुआ, कुछ गलत किया मैंने? सलीम, मुझे दुल्हा बहुत पसंद आया। लैला, क्या तुम्हारा कोई नहीं है क्या? देखो, तुम्हारी छोटी बहन तुमसे पहले शादी कर रही है। बिल्कुल नहीं अंकल, इसका दिमाग सड़ा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपस में प्यार हो तो कोई भी चीज मायने बिल्कुल नहीं रखती। मिताद, हाँ, क्या बात है, तुमने क्या बात कही, आंखें भर आई मेरी, देखो तो। आप काफी अच्छा बोलते हो, ब्रावो। लोग ऐसा कहते हैं, पर उस पर यकीन मत करना, ये सिर्फ गरीबों के लिए है। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। सही कहा ना मैंने?
पैसा पैसा इम्पोर्टेंट? हाँ, पैसा, कैश, क्रेडिट कार्ड, जिससे पैसे खर्च करने चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए। हाँ। मेरा दिमाग मत खराब करो, बहुत हो गया, अब मिटाट। अरे निहाद, हमें पता होना चाहिए कि कौन शादी करने वाला है। हाँ, अगर तुम इतने इंटरेस्टेड हो तो खुद पूछ लेते ना, पर तुम मिसेस हुमा के साथ बिजी थे, हम सब देख रहे थे। हाँ हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। हाँ मैंने देखा है। हाँ निहाद, वो काफी अच्छी एलिगेंट औरत है, पर मैं भी एक जेंटलमैन हूँ। अब क्या इसमें मेरी गलती है कि मैं एक जेंटलमैन हूँ? जरूर जरूर जरूर। निहाद, हमें तुम्हारे बालों का कुछ करना चाहिए, ऐसा टकला होना अच्छा नहीं है। क्या मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? क्या एक रात का सबक सिखाने का मन कर रहा है? अच्छा भाई, तुम बहुत थक गए होगे ना, तो थोड़ा सा आराम कर लो, मैं बेड बिछा देती हूँ। अच्छा है, वैसे मैं रहूंगा कहाँ? मैं अब थक गई हूँ, मैं अपने बेड पर जा रही हूँ। थैंक यू सो मच अंकल कि आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। मैं भी थक गई हूँ, मैं सोने चलती हूँ, बाय बाय। तो देखो कोई, मैं ना ये काउच खोल देती हूँ, ये बहुत ही कंफर्टेबल बेड बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, और आप भी दो हैं तो अब तुम्हारा बेड तो खाली हो गया होगा। तो तुम दोनों यहाँ सो जाओ ना, मैं तुम्हारे कमरे में जाकर सोता हूँ। गुड नाइट, मैं चला सोने। मिफ्किबे, हाँ, उस चीज को यहाँ लाओ, मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहता हूँ। मैं करती हूँ ना, मैं कर देती हूँ। आओ हम यहाँ सोते हैं, ये कंफर्टेबल नहीं है, हम दिन भर यहाँ बैठा करते हैं। ओह गॉड, क्या है ये नियात? जान, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। ओह गॉड, मेरी चाय फाइनली। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बॉन एपेटिट। तुम सुबह सुबह यहाँ आकर चाय बनाती जाओ, फिर नीचे जाकर अपना काम क्या करो, यू नो मेरा दिन अच्छा स्टार्ट होता है। हाँ मैं ट्राई करूंगी जान। मुझे आपसे कुछ कहना है। कल हम दोनों शादी के बारे में कोई बात नहीं कर पाए, लेकिन अब हम दोनों क्या करेंगे? हाँ, तुम्हारे अंकल ने हमें बिजी किया और हमें मौका ही नहीं मिला। पर मुझे लगता है कि कल एक बात अच्छी हुई, हम दोनों की मॉम्स को झगड़ा करने का एक भी मौका नहीं मिला और वो दोनों अच्छे से बातें कर रहे थे। क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है सच में। जान, आपको क्या लगता है, क्या वो दोनों एक स्टिकिंग कैरेक्टर हो सकती है? क्या कहा, उनके अंदर ऐसा कोई टैलेंट है, हम कैसे करने वाले हैं? मेरा मतलब है वो एक ऐसे इंसान है जो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं और वो आपके तौर तरीके से भी काफी वाकिफ है और मेरी मॉम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। मैं तुमसे इस बात पर एग्री नहीं करता, मुझे नहीं लगता वो दोनों अच्छे टर्म्स पर हैं। नहीं वो थे, आपने देखा नहीं जान, वो सेल्फी उन्होंने जो खींचा, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो हम दोनों के बीच में एक मेडिएटर बन सकते हैं। शायद वो आपके मॉम से बात कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि मेरे अंकल और आपकी मॉम में कुछ पॉइंट्स कॉमन हैं। हम किसी और सलूशन के बारे में सोचते हैं। अगर कोई और सलूशन होता तो हम पहले ही नहीं सोच लेते, पर नहीं। मैं अभी भी आधी नींद में हूँ और तुम मुझे सीरियस क्वेश्चंस पूछ रही हो। आराम से चाय तो पीने दो। अरे रे रे, मेरी कमर। निहात, निहात, मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। मेरी पीठ, मेरी पीठ दर्द कर रही है। मेवकिबे, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये बकवास सोफा, उसकी वजह से पीठ और पैरों में दर्द हो रहा है। ओ गॉड। निहात, तुम भी ये बाम लगा लो, आराम मिलेगा। मैंने भी अपनी गर्दन और पीठ पर लगा लिया है। मैंने कहा था ना वो आएगा, देखो वो आ गया, धीरे से आ गया, अपने घर पर कब्जा कर लिया, उसने तो अपना बेड भी छीन लिया। वो कंफर्टेबली सो रहा होगा टांग ऊपर करके। ऐसा मत कहो, उन्होंने हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं उसे भाई जैसा मानती हूँ। उसने कुछ नहीं किया मिफ्किबे, कुछ नहीं। ओके, अगर तुम चाहो तो उसे अपना भाई बना कर रख लो। अरे ये इतना चीफ फिटर जैसा क्यों दिख रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। थैंक यू। किराने की दुकान, वो यादें। सब कुछ ऑर्गेनिक है। हाँ, वो मेरी शॉप है। इसी बारे में तुम कह रही थी ना? बस छोटी सी शॉप है भाई। नहीं, काफी खूबसूरत दुकान है। अच्छी बात है कि ये यहाँ है, हर मोहल्ले में ऐसी दुकान होनी चाहिए। ये क्या है? ये बस एक क्रीम है, वो दर्द के लिए। दर्द के लिए मिताद, गले का दर्द, पीठ का दर्द, हर दर्द का इलाज है ये, समझे?
ये अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मुझे इसकी जरूरत थी। वैसे तुम्हारा बेड काफी बुरा है, मेरी पीठ दर्द कर रही है। निहाद आज रात ये क्रीम मेरी पीठ पर लगा देना। सच में क्या तुम 3 साल के बच्चे हो? कोई भी सुन लेगा, शर्म करो कुछ तो। निहाद मेवकी बे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओ क्या तुम्हारी शॉप में एंटी एजिंग क्रीम मिलती है रिंकल्स को हटाने के लिए? यू नो हाँ है ना, है ना। हाँ हाँ नितत, तुम्हें इस उम्र में इन सब चीजों की क्या जरूरत है? तुम अभी जवान नहीं रहे, इस उम्र में ये सब चीजें शोभा नहीं देती। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए पूछ रहा था। ओह बाद में मिलते हैं, अभी मैं चलता हूँ। ओके मत आओ, वहीं पर रहो। अंकल आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए एंटी एजिंग क्रीम्स की अरेंजमेंट कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि उसे अच्छी तरह गिफ्ट रैप करके उन्हें दे दूँ। हाँ अंकल, आप कितने फनी हैं, और आपने तो मिसेस ह्यूमा को हंसाया। मैं तो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की फैन हो गई। हाँ, कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। रियली? हाँ हाँ, वो भी यही कह रही थी। उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा? जैसा आपने कहा वैसा ही कुछ, फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल। उन्हें आपकी बातों पर हंसी आई। क्या सच में? वाओ ग्रेट, बहुत खूब। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, पर अगर आप चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। हम अभी वही जा रहे हैं जहाँ मिसेस ह्यूमा है, और इस वजह से आपसे उनकी काफी बातें हो जाएंगी, और आप उन्हें हंसा भी पाएंगे, और आपकी दोस्ती गहरी हो जाएगी। आप चलना चाहोगे हमारे साथ? जरूर सनम, जरूर, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ, मैं उड़ के आता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। सी यू। मिस लैला? हाँ बोलिए। ये सब आपके लिए मैडम। मेरे लिए? जी। प्लीज साइन कर दीजिए यहाँ पे। हाँ जरूर, किसने भेजा है? वो मैं भी नहीं जानता मिस लैला, मैं सिर्फ डिलीवरी का काम करता हूँ। हे ऊपर वाले, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ नोट दिखाई दे रही है, थैंक यू। बस यहाँ पर तो कोई भी कार्ड नहीं है। क्या इस पर कोई कार्ड? क्या इस पर कोई कार्ड है क्या? मैं देखूं। ओहो, कहाँ है? कुछ भी नहीं है। किसने भेजे हैं? मैंने मैंने भेजा ये सब। एमरी? हाँ ये लो लैला। हाँ ये बहुत खूबसूरत है, पर इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? ये तो बस आज के लिए है। ये फूल मैं सॉरी कहने के तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ लैला। ये बहुत ही खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो लैला। मैं कोशिश करूंगा कि रोज तुम्हारे लिए एक बेहतर इंसान बन पाऊं, वादा करता हूँ तुमसे। काश सब कुछ सिंपल होता, काश सिर्फ आप और मैं ही होते। क्यों, और कौन है हमारे बीच में? आपकी मॉम, मेरी मॉम, हम उनसे क्या कहेंगे? हमें उनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं वही काफी है। मैं आपसे अग्री नहीं करती, ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। देखिए सनेम और जान को आप नहीं जानते, वो फिलहाल क्या कुछ सह रहे हैं। कोई बात नहीं, यू डोंट वरी, मैं सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। फिलहाल तुम फ्लावर्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, हम साथ में लंच करते हैं अगर तुम चाहो तो। ओके ठीक है, बाय बाय। ये कितने खूबसूरत है। हाँ मिस सेरेन, उसके बाद उस्मान ने ब्रेकअप कर लिया, उसने कहा कि क्यों ना हम दोस्त बने रहे। हाँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती कितना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ होने के बाद कोई फ्रेंड्स कैसे रह सकता है। और फिर बॉम, उस्मान के लिए बिजनेस ऑफर आया है और एक अच्छा? टीवी सीरीज भी। तुम्हें इस सबसे क्या लेना देना है, क्या करना है तुम्हें? नॉनसेंस, क्या तुम कोई जज हो? तुम हमेशा डोमिनेटिंग बनने की कोशिश क्यों करती हो, बताओ मुझे। तुम क्यों चिल्ला रहे हो जीजी? एक्चुअली आई एम सॉरी, उस्मान एक बहुत अच्छा लड़का है। हे मेरे लिए चाय नहीं है? हाँ, हाँ, है ना। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सनम डियर, हमने लैला और उस्मान के बारे में सुना, हमें बुरा लगा। ऐसा हुआ पर दोनों के लिए अच्छा है। तुमने सही कहा, ये सबके लिए सही रहेगा, क्योंकि उनका वैसे भी वर्कआउट नहीं हो रहा था। रियली आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ हार्मनी इम्पोर्टेंट है, अट्रैक्शन तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके ऑरास भी। ओ, ऑरा मतलब वो लाइट जो हमारे आसपास होता है ना, हम उसे देख नहीं पाते। क्या वो कलर्ड है मिस डेरेन, बताइए? हाँ कलर्ड है वो। हाँ एग्जैक्टली, जब हम किसी को देखते हैं हमें वो कलर जरूर फील होता है। हाँ, हम फील करते हैं।
मैं उसे देख नहीं पाता, क्या तुम देख पाती हो? मुझे नहीं पता जेजे। मैं देख सकती हूँ। क्या आपको सच में दिखाई देता है? क्योंकि मुझे नहीं दिखाई देता। आप कैसे देख लेती हैं? क्या कौन सा कलर, जैसे मैं, मेरा कौन सा कलर है? ग्रे, जैसे कि स्मोक, ऑर्डिनरी कलर। बिल्कुल सही कहा। और मैं, मेरा रंग? यू आर ब्लू, इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। और जान? जान गोल्डन है। सब कलर्स में सबसे पावरफुल है गोल्डन। ये इटर्निटी को दर्शाता है और तुम दोनों के ऑरास एक दूसरे के साथ हार्मनी में हैं, इसलिए साथ हो। मुझे उनका ऑरा पसंद है। मिस डेरेन, मुझे बताइए मेरा कलर कौन सा है? तुम बहुत कलरफुल हो। ओह, कलरफुल, जैसे कि एक रेनबो होता है ना? तो ये अच्छी बात होगी। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ, एक रोशनी नजर आती है जो धीरे धीरे फेड हो जाती है, फिर एक दूसरा रंग आता है, वो धीरे धीरे फेड हो जाता है। हाँ, ऐसा ही कुछ। तुम्हें डिस्क्राइब करना इतना आसान नहीं है जेजे, तुम मेरे लिए एक मिस्ट्री हो और ये चीज मुझे अपसेट करती है। और आपका कलर कौन सा है मिस डेरेन? मैं ऊपर से नीचे तक रेड कलर हूँ। लीडरशिप, मेरे अंदर टेंडरनेस है और साथ ही साथ पीस भी है। टेंडरनेस और पीस और रेड, क्या आप है सच में? बताइए मुझे। हाँ, मैं एक पीसफुल पर्सन हूँ। जैसे कि ये गीत, वो ऑरेंज कलर का है, हार्मनी और पार्टनरशिप। अगर रेड कलर और ऑरेंज कलर साथ में आ जाए तो एक मिरेकल हो जाए। वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, स्पिरिचुअली और मेंटली भी। वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमने कुछ नहीं सुना। अब मैं जाती हूँ यहाँ से। अब मुझे काम करना है, इगिट से मिलना है। मैं आपका मैसेज इगिट तक पहुँचा दूंगी। मिस डेरेन के रेड विशेस ऑरेंज मिस्टर इगिट को दो, ओके? आई एम सॉरी मिस डेरेन। तुम मुझे चुप रहने के लिए क्यों नहीं कहते? तुम्हें बस बातें करना पसंद है। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता चुकी हूँ और तुम गुलीस काम पर ध्यान क्यों नहीं देती? हमें बहुत सारे काम करने हैं, समझ गई? ओके, मैं आ रही हूँ। ओके, मैं चलती हूँ। हाँ गुलीस, तुम कॉफी पियो और थोड़ी मिस डेरेन के लिए भी ले चलते हैं। क्या कहती हो? बस आराम से पोर करना। अभी मैंने तुमसे कहा आराम से पोर करो, अब ये सब मुझे ही वापस साफ करना पड़ेगा। तुम यहाँ से, मैं जा रही हूँ। गुलीस, मेरी दादी का कॉल आ रहा है, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं क्या करूँगा उनसे? अरे बाप रे, अब मैं दादी से क्या कहूंगा? मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हेलो दादी, तुम कहाँ पर हो? और मिस डेरेन, डार्क ब्लू कैसा है? मैं तुम्हें अच्छे से सुन सकती हूँ। दादी, आप हमें कैसे सुन सकती हैं? आपने यहाँ कोई सीक्रेट कैमरा तो नहीं लगाया है? अगर लगाया है तो प्लीज मुझे बताइए, सच सच बताइए। मुझे सब कुछ सुनाई देता है। तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम अपने दादाजी के रोल मॉडल हो, तुम्हें वैसे बनना चाहिए। हाँ दादी, मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। हाँ, मेरे दादाजी मेरे रोल मॉडल है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी रिंग कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही है। तुम्हारी शादी नहीं हुई है? दादी, मैं शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। फिर मैं मर जाती हूँ। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि वो अब मुझसे प्यार नहीं करती। दादी, क्या करूँ मैं? तुम्हें रोमांटिक बनना चाहिए, अपने दादाजी जैसे बनो। जब हम जवान थे तो हमारे अंदर बहुत ही शांत रहो। दादी प्लीज, आप ये क्या कह रही हैं? मैं अभी उनके बारे में सोच रहा हूँ। तो कब करोगे शादी, बताओ? शादी? दादी, क्या आपको सुनाई नहीं देता? मैं शादी नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, जो कपड़े तुमने पहने हैं वो तुमने खुद बनाए हैं या तुमने बाहर से खरीदी है और खर्चा किया है? नहीं, ये मेरा डिजाइन है, मैंने खुद बनाया है। अच्छा है ना दादी? ये सब छोड़ो, जाके उसे प्रपोज करो। लेकिन दादी सुनो, मैं चुप रहो वरना मैं मर जाऊंगी, पक्का मर जाऊंगी। जाओ और मेरी बात मानो। लेकिन दादी, अरे यार, मेरी बात कभी नहीं सुनती। आप यहाँ खड़ी होकर क्या सुन रही है मिसेस उमा? ये औरत कौन है? ये औरत मेरी दादी है। वो काफी बुढ़ी है, मेरा मतलब पुरानी नहीं, लेकिन हमारे लिए कम से कम वो 100 साल की है। क्या बकवास कर रहे हो जेजे? वो दरअसल मेरी दादी मुझे कह रही थी कि मुझे उस लड़की को मनाना होगा, नहीं तो वो मर जाएंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ये तो पूरा पागल है। मुझे पता था, जब से यहाँ आई हूँ ये अजीब सी हरकतें करता है। मुझे पता था ये पागल है।